हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी ट्रेजर पर। आज जिस मूवी की हम बात करेंगे वह है 21 ब्रिजेस। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी एक्शन थ्रिलर पर बेस्ड है। इस मूवी में एक NYPD का डिटेक्टिव आंद्रे डेविस है जो दो सस्पेक्टेड पुलिस किलर्स को ढूंढने के लिए 21 ब्रिजेस को एक रात के लिए बंद कर देता है। अब वह इस एक रात में उन दोनों को ढूंढ पाता है या नहीं, इस एक रात में उसके साथ क्या होगा, यह हम इस पूरे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि चर्च में एक पुलिस ऑफिसर का फ्यूनरल चल रहा होता है जिसका नाम रेजिनाल्ड डीन डेविस होता है। वह अपनी शिफ्ट के दौरान मारा गया था। यही हम अपने मेन कैरेक्टर यंग आंद्रे डेविस को देखते हैं जो अपने पिता की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनने का डिसाइड करता है। यहाँ से सीन 19 साल बाद दिखाते हैं जहाँ यंग आंद्रे अब NYPD का डिटेक्टिव बन गया होता है। यहाँ आंद्रे पर एक कमेटी बिठाई जाती है जिसने उसके द्वारा मारे गए सभी क्रिमिनल लीगली मारे गए हैं या नहीं। इस पर आंद्रे कहता है कि उसने उन्हें सेल्फ डिफेंस में मारा था। उसने कहा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी उस टाइम पर उन्हें शूट करने के अलावा, और मुझे ऐसा करने का कोई अफसोस भी नहीं है। सीन आंद्रे के घर का दिखाते हैं जहां वे अपनी माँ से बात कर रहा होता है। आंद्रे की माँ अभी भी सदमे में है आंद्रे के पिता के जाने के बाद। नेक्स्ट सीन में हम दो आदमी को देखते हैं जिसमें व्हाइट मैन का नाम रे जैक्सन होता है और ब्लैक मैन का नाम माइकल ट्रुजलो, जो एक वाइनरी शॉप पर जाते हैं और उन्हें वहां कोकीन होने की खबर मिलती है। उन्हें वहां 30 किलो कोकीन होने की खबर मिलती है पर वहां 300 किलो कोकीन होता है। वह देखकर वह घबरा जाते हैं पर फिर भी माइकल उन्हें पीछे हटने को कहता है, पर रे इसे अपनी आजादी कहता है और वहां से 50 किलो कोकीन उठा लेता है। रे और माइकल वहां से निकलने वाले होते हैं, इतने में पुलिस उस वाइनरी शॉप पर आती है और रे पुलिस पर फायरिंग करता है। इस फायरिंग में बहुत से पुलिस वाले मारे जाते हैं और इन सब को रे मारता है। वह वहां से भागते हैं और एक सिग्नल पर उनका फोटो क्लिक हो जाता है। थोड़ी देर में ये न्यूज़ सब तरफ फैल जाती है। 8 ऑफिसर मारे गए हैं एट 5 डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट सीन में आंद्रे वाइनरी शॉप पर आता है जहाँ की हालत देख कर आंद्रे परेशान होता है। वहाँ आंद्रे कैप्टन मैकाना से मिलता है। जो भी पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं वे सभी मैकाना के ऑफिसर्स होते हैं। वहाँ दो और डिटेक्टिव होते हैं जिनका नाम बुचको और दुगन होता है। वह दोनों भी FBI के डिटेक्टिव होते हैं। आंद्रे उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ मैकाना यह मामला खुद देखना चाहता था पर डिप्टी चीफ इस केस को आंद्रे को सौंप देते हैं जिससे मैकाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ मैकाना आंद्रे को कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये केस कल रात तक फिनिश कर दो। इस पर आंद्रे कहता है कि कारण पता चलते ही मैं ये केस जल्द से जल्द फिनिश कर दूंगा। इस पर मैकाना चिढ़ गया होता है, कहता है मेरे इतने ऑफिसर्स मारे गए हैं और तुम कारण का पता लगा रहे हो। यहाँ दोनों की बहस के बीच डिप्टी चीफ उन्हें चुप रहने को कहता है पर मैकाना अपनी एक ऑफिसर को आंद्रे के साथ हेल्प करने को देता है जो फ्रैंकी बैनर्स होती है। वह एक नारकोटिक्स डिटेक्टिव होती है। सीन सीधा रे और माइकल को दिखाते हैं जहां माइकल सब पुलिस ऑफिसर्स के मरने से परेशान था और अब इस बात पर रे और माइकल में थोड़ी बहस हो जाती है जहां माइकल कहता है कि सुबह होने से पहले वह हमारा नाम पता सब निकाल लेंगे तो हमें यहां से जल्द भागना होगा। सीन फिर से आंद्रे का दिखाते हैं जो क्राइम सीन को ध्यान से देख रहा होता है। वहां बंस कहती है कि यहाँ 300 किलो कोकीन है और वो भी 90% प्योर। फिर आंद्रे कहता है कि वह एक नहीं दो आदमी थे क्योंकि एक आदमी अकेला ये सब नहीं कर सकता और सारा क्राइम सीन समझाता है। सीन फिर से रे और माइकल का दिखाते हैं जो बुश का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में बुश वहाँ आता है और माइकल उसे सारी बात समझाता है कि हमें गलत जानकारी दी गई थी, वहाँ 30 नहीं 300 किलो कोकीन था। इस पर बुश कहता है तो तुम 30 किलो ले आए। रह कहता है 30 नहीं 50 किलो और फिर वह सीधे हैंडलर हॉक के पास जाने को कहते हैं क्योंकि अब वह बुश को ये कोकीन नहीं बेचना चाहते थे। वह सीधे हैंडलर हॉक के पास जाने की बात करते हैं।
सीन यही कट हो जाता है। यहाँ आंद्रे को अब एक बहुत बड़ी लीड मिलती है कि उनके पास BMW कार थी, उस कार का नंबर वगैरह सब उन्हें मिल जाता है। यहाँ बंस कहती है कि वह लोग वाइनरी शॉप में 30 किलो की सोच कर आए थे, पर वह 300 किलो को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वह पुलिस को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो क्या ये उनका लक था या कोई सेटअप? यहाँ बुजको और दुगन आंद्रे से बहस करते हैं कि तुमसे अच्छा ये केस FBI देख सकती है। वह लोग कहते हैं कि हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि शायद वो शूटर अब तक सिटी से बाहर जा चुके होंगे। इस पर बंस कहती है कि वे लोग अभी भी न्यूयॉर्क में हैं, जब तक उनको कोई बड़ा खरीदार नहीं मिल जाता उस कोकीन के लिए जो 90% प्योर है, वो भी 50 किलो कोकीन। तभी 911 के सेंटर से आंद्रे के लिए एक लीड मिलता है कि BMW कार मिल गई है चाइना टाउन में, वो भी जली हुई। तब आंद्रे मैनहट्टन आइलैंड को बंद करने को कहता है, सारे 21 ब्रिजेस, और FBI के एजेंट उन्हें सुबह 5 बजे तक का समय देते हैं, उसके बाद यह केस FBI के पास आ जाएगा। आगे आंद्रे और बंस चाइना टाउन जाते हैं। आंद्रे योलांडा को कहता है कि मुझे हर कार की फोटो चाहिए जो भी BMW इस गली से निकली है। इस पर योलांडा कहती है कि वहाँ की कोई भी CCTV कैमरा सही से काम नहीं कर रहे हैं। योलांडा कहती है कि किसी भी शॉप का CCTV काम कर रहा होगा तो मैं चेक करके बताती हूँ। इतने में ही आंद्रे को दूसरा कॉल आता है, वह बर्न्स के साथ वापस टाउन में जाता है। सीन रे और माइकल का दिखाते हैं जो हॉक के पास आए हैं इस कोकिन को बेचने। माइकल कोकिन को 1 मिलियन में बेचने की बात करता है, इस पर हॉक मान जाता है। माइकल यहाँ से बाहर निकलने की बात भी करता है। सीन यहीं कट हो जाता है। आंद्रे BMW के ऑनर के घर जाता है, वहाँ एक लेडी से बात करते हुए आंद्रे को पता चलता है कि यह बुश की एक्स गर्लफ्रेंड है। यहाँ आंद्रे को उस लेडी से बात कर पता चलता है कि बुश उन दोनों शूटर को जानता है। इधर बर्न्स योनाल्डो को कॉल कर कहती है, मुझे बुश के बारे में सारी जानकारी चाहिए और पैनम लॉन्च के आसपास के कैमरा रिकॉर्डिंग भी। इधर हॉक रे और माइकल को उनका पूरा पैसा देता है। यहाँ माइकल बाहर निकलने की बात करता है, इस पर हॉक उसे एक आदमी अधि के पास जाने को कहता है कि तुम उसे उसका जितना पैसा बनता है वह दे देना और वह तुम्हें बैंक अकाउंट पासपोर्ट सभी की मुश्किलें सॉर्ट आउट कर देगा। फिर रे और माइकल वहाँ से निकल जाते हैं। सीन आंद्रे को उस लेडी से बात करते हुए दिखाते हैं, वह सिग्नल से मिला फोटो उस लेडी को दिखाता है। इस पर जिसने डेविल मास्क पहना है वह शायद रे जैक्सन हो सकता है क्योंकि वह हमेशा ऐसा मास्क पहना करता था। वह लेडी कहती है, यहाँ हम रे के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं कि कैसे उसने पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया। उसका एक फ्रेंड था आरवेल जो रे के बहुत करीब था। आरवेल और रे दोनों आर्मी में थे, पर आरवेल अफगानिस्तान में मारा गया था। इस पर आंद्रे कहता है, तो रे के साथ दूसरा आदमी कौन है? वह कहती है, वह माइकल हो सकता है, आरवेल का छोटा भाई, क्योंकि आरवेल के मरने के बाद रे उसको संभालता है। नेक्स्ट सीन में रे और माइकल को दिखाते हैं जो अधि के पास आए हुए होते हैं। यहाँ न्यूज में उन्हें पता चलता है कि उनके बारे में पुलिस को सब पता चल गया है। यहाँ रे अधि पर पैसों को लेकर ट्रस्ट नहीं करता, पर माइकल के समझाने से रे मान जाता है। माइकल कहता है यही एक आदमी हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। सीन योलांडा का दिखाते हैं जहाँ उन्हें बुश की जानकारी मिल गई होती है कि वह अभी पैनम क्लब में है। आंद्रे कहता है कि मैं वहाँ न आऊँ तब तक क्लब में कोई मत जाना, पर बुजको और दुगन क्लब में जाकर बुश को गोली मार देते हैं। इतने में आंद्रे वहाँ आता है और बुजको पर नाराज होता है। बुजको कहता है कि दो में से एक मर गया। यहाँ आंद्रे बुजको को कहता है कि यह वह नहीं है जिसने पुलिस ऑफिसर्स को मारा है, यह वह था जो हमें उन दोनों तक ले जा सकता था। और आंद्रे बुजको को यहाँ एक पंच भी मारता है। इसी बीच योलांडा का कॉल आंद्रे को आता है, पर वह रिसीव नहीं कर पाता, तो वह बंस को कॉल कर देती है। सीन अधि के घर का दिखाते हैं जहाँ वो रे और माइकल को उनका नया नाम वे मायामी जाने का पूरा प्लान समझाता है। तभी NYPD के ऑफिसर्स वहाँ आते हैं और दोनों ओर से फायरिंग होती है जिसमें अधि पूरी तरह घायल हो जाता है।
क्लब में मैकाना बुजको और दुगन को डांटता है और आंद्रे यहाँ कहता है कि यह दोनों मुझे मेरे केस में नहीं चाहिए। वहाँ अदि के घर से कैली रेडियो पर बैकअप मांगता है। वह कहता है कि रे और माइकल दोनों यहाँ पर हैं। फिर आंद्रे बंस वहाँ के लिए निकलते हैं। यहाँ आंद्रे बंस से पूछता है कि कैली को कैसे पता चला कि वे लोग वहाँ पर हैं। इस फायरिंग में अदि 85 नंबर बोलता है और दोनों पेन ड्राइव ले जाने को कहता है। उसका पासवर्ड भी वह बताता है। इस बीच रे कुछ पैसा दो बैग में भर लेता है और माइकल फ्लैश ड्राइव लेने चला जाता है। दोनों वहां से भागते हैं। इतने में ही आंद्रे और बंस भी वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों रे और माइकल का पीछा करते हैं। दोनों ओर से फायरिंग होती है जिसमें रे को गोली लग जाती है। यहाँ रे माइकल को अलग होने के लिए कहता है। वो माइकल कहता है कि तुम घायल हो, पर रे उसे मायामी में मिलने को कहता है और दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद आंद्रे रे को मार देता है। रे मरते मरते आंद्रे को कहता है कि माइकल को बचा लेना, वो मेरे जैसा नहीं है। बंस माइकल का पीछा करती है पर माइकल बंस को पकड़ लेता है और तब आंद्रे वहाँ आता है और कहता है कि रे मर चुका है, तुम भी सरेंडर कर दो। तब बंस माइकल को शूट करने पर जोर देती है पर आंद्रे शूट नहीं करता। यहाँ माइकल आंद्रे से बात कर रहा होता है कि कैसे पुलिस वाले कोई अदि के घर का पता चला, कैसे 300 किलो की कोकीन जो 90% प्योर है बिना पुलिस के हेल्प के शहर में आ गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इन सब में शामिल है और अदि को मारा वो भी पीप होल से बिना वार्निंग के, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि अदि कोई इन्फॉर्मेशन लीक करे। अदि ने मुझे फ्लैश ड्राइव दिया है। आंद्रे माइकल को ड्राइव देने के लिए कहता है पर माइकल मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। इन सब बातचीत में हम बंस को नोटिस करते हैं कि वह कंटिन्यू माइकल को शूट करने के लिए कह रही होती है। माइकल भागकर एक होटल में जाता है और वहां एक लैपटॉप पर ड्राइव को चेक करता है। यहां आंद्रे सबको अलर्ट करता है और कहता है कि माइकल उसे जिंदा चाहिए क्योंकि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। सीन अदि के घर का बताते हैं जहां आंद्रे बंस कैली और मैकाना होते हैं। यहां आंद्रे से बंस पूछती है कि तुमने उसे शूट क्यों नहीं किया। आंद्रे कहता है मैं बस सच जानना चाहता हूं। मैकाना भी आंद्रे पर चिढ़ जाता है कि तुमने उसे जाने कैसे दिया। मैकाना से आंद्रे पूछता है कि आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने उन्हें बाहर निकाला, इस डिपार्टमेंट से कैली कैसे पहुंचा इतनी जल्दी यहां। तभी बुजको आंद्रे को कहता है कि टाइम निकला जा रहा है। माइकल पेन ड्राइव को चेक करता है और देखता है कि 85 डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स के अकाउंट नंबर उसी ड्राइव में है और सभी के बैंक अकाउंट में बहुत सा पैसा, मतलब वे सभी ऑफिसर्स जो उस रात वहां थे वह सब इस कोकीन की तस्करी में शामिल थे और वह उस टाइम चेक करने आए थे कि उनका पार्सल ठीक है या नहीं। इसका मतलब मैकाना भी इन सब में शामिल था। तभी आंद्रे को माइकल की लोकेशन मिलती है और वह माइकल का पीछा करते हुए सबवे तक जाता है। आंद्रे माइकल से बात करना चाहता है। वह माइकल को सरेंडर करने के लिए कहता है और वह माइकल को जिंदा रखेगा, इस बात पर माइकल को भरोसा देता है। माइकल मान जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है पर बंस माइकल को गोली मार देती है। इस बात पर आंद्रे बंस पर बहुत नाराज होता है। बंस कहती है मुझे लगा वह तुम्हें शूट करना चाहता है, पर मरने से पहले माइकल आंद्रे को ड्राइव और पासवर्ड दे देता है। यहाँ आंद्रे को बंस पर शक होता है तो वह अपनी माँ को कॉल करने के बहाने से बंस का फोन मांगता है और आंद्रे देखता है कि बंस ने कॉल करके केली को अदि के अपार्टमेंट भेजा था। यह बात एलएमएस योलांडा ने बंस को बताई थी। रे और माइकल अदि के अपार्टमेंट में है और बंस ने आंद्रे को नहीं बताकर सीधे केली को कॉल करके बता दिया, जिससे वह वहां जल्दी पहुंच गया। आंद्रे सीधा मैकेना के घर जाता है और मैकेना से इन सब के बारे में पूछता है, क्यों आप और आपका डिपार्टमेंट इस तस्करी में आए। मैकेना कहता है एक मामूली से सैलरी पर पुलिस ऑफिसर काम करता है, वह इतनी सी सैलरी पर अपना घर नहीं चला सकता, इसलिए वह इस तस्करी में आए।
इस पर आंद्रे कहता है पर वह सब अब मर चुके हैं और अब वही पैसा उन्हें वापस नहीं ला सकता और उनके घर की खुशियां नहीं लौटा सकता। यह मैकाना बर्न्स का नाम भी लेता है कि वह भी इन सब में शामिल है। मैकाना कहता है इस सबूत से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तभी वहाँ कैली, बुचको और दुगन आकर आंद्रे पर फायर करते हैं, पर आंद्रे उन सबको मार देता है। आंद्रे मैकाना को सरेंडर करने को कहता है क्योंकि वह घायल हो चुका होता है, पर वह ऐसा नहीं करता और मैकाना आंद्रे पर फायरिंग करता है जिसमें आंद्रे मैकाना को मार देता है। तभी वहां बर्न्स आती है और आंद्रे कहता है मैंने उस ड्राइव की कॉपी पहले ही डिपार्टमेंट में दे दी है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बिना बड़ी हो तो सरेंडर कर दो। तब वह अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देती है। लास्ट में हम देखते हैं कि दो ड्राइव्स अब भी आंद्रे के पास है और वह मैनहट्टन की पुल से गुजर रहा है। मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू।